हर दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं कि पढ़ाई में सकारात्मकता क्यों ज़रूरी है, यानी पॉजिटिविटी क्यों ज़रूरी है। आज मनुष्य में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरती जा रही है और चारों ओर क्लाइमेट भी आज नेगेटिव होता जा रहा है, क्योंकि लोगों की मानसिकता क्या है, हमेशा सभी के प्रति नेगेटिव बनती जा रही है। और उस नेगेटिव मानसिकता की बदौलत ही आज लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने से पहले सोचते तक नहीं है कि हम किससे लड़ रहे हैं और किससे हमें लड़ना चाहिए। आपको अपने बुराइयों से लड़ना है, किसी इंसान से नहीं लड़ना है। लेकिन आज हम अपनी बुराइयों से ना लड़कर किसी इंसान के ऊपर टारगेट कर उससे लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा मनमुटाव दे रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दे रहा है। और नेगेटिविटी की वजह से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ओरा मंडल आपके सामने क्रिएट हो रहा है, और वो नेगेटिव ओरा मंडल आपको ना तो सोने देगा ना बैठने देगा, बार बार में वो बहुत सारे नेगेटिव आपको थॉट्स दे कर जाएगा। और जब नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में लगातार रिप्ले होंगे, तो आप सोच सकते हो कि आपको बार बार में वही सीढ़ी वापस से रिपीट होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहाँ पर आपको पॉजिटिविटी लेनी थी, जहाँ पर आपको कुछ डिसीज़न लेना था, लेकिन अब उस डिसीज़न के बीच में नेगेटिव पार्ट प्ले हो रहा है, यानी वो नेगेटिव जो आपके थॉट्स से वो प्ले हो रहे हैं। तो क्या आप किसी डिसीज़न को ले पाएंगे? क्या आप बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं? क्या बैठकर आप कोई किसी काम को कर सकते हैं? क्या किसी काम में कोई मन लगा सकते हैं? नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में लगातार नेगेटिव घूम रहा है, और शाम होते होते वो नेगेटिव आपको बिल्कुल ही क्या कर देगा, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में ला देगा कि आपके माइग्रेन तक हो जाएगा। चारों तरफ आज क्या है? नेगेटिविटी है चारों तरफ। आज जिधर भी देखो, चाहे आप न्यूज़पेपर उठा के देखो, चाहे सोशल मीडिया देखो, चाहे किधर भी देखो, लेकिन नेगेटिविटी का ओरा मंडल बहुत ही ज़्यादा है आज। और सबसे बड़ी बात है कि अपना जो ह्यूमन ब्रेन है, ये भी नेगेटिव चीज़ को हैंड टू हैंड एब्जॉर्ब करता है। इसको कहना नहीं पड़ता कि भाई आप उसको लर्न करो, आप उसको याद करो, नहीं, ये अपने आप उसको याद रख लेता है। लेकिन आपसे कह दिया जाए, किसी बच्चे से कह दिया जाए, कल इस बुक्स को याद करके लाना, इस चैप्टर को याद करके लाना, लेकिन वो चैप्टर उसको याद नहीं होगा। लेकिन अगर कल से उससे पूछ लिया जाए कि तेरे मोहल्ले में कौन जाके लड़ा या किसके साथ लड़ाई हुई, तो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें बता देगा, सर ये लड़े। तो क्यों याद है उसको? क्यों? क्योंकि नेगेटिव को याद करने के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ी उसे, लेकिन पॉजिटिव को याद करने के लिए उसे मेहनत की आवश्यकता पड़ी। इसलिए मैं सभी से यही कहूँगा कि भाई थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव में ले जाए, क्योंकि पॉजिटिव के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो आपकी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, दूसरा आपका हमेशा माइंड क्या रहेगा, बिल्कुल नेट एंड क्लीन रहेगा, नो टेंशन रहेगी आपको। अरे अपन सब यही चाहते हैं कि मेरे माइंड में हमेशा कह रहे मैं टेंशन फ्री रहूं। तो जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी जब अपने माइंड में लगातार हम लाते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड बिल्कुल ही क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो हमने बॉडी चार्ज कर ली, खाना खाकर हमने बॉडी को चार्ज तो कर लिया, लेकिन इस माइंड को चार्ज करना भूल गए। इस माइंड को चार्ज करने का सबसे बढ़िया तरीका था पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कहाँ से? हमेशा आपको क्या मिली है? नेगेटिव एनर्जी। मार्केट में गए, नेगेटिव एनर्जी। स्कूल में गए, नेगेटिव एनर्जी। आपने टीवी देखी, नेगेटिव एनर्जी। मोबाइल चलाया, नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, घर में किसी से बात करी तो वह भी नेगेटिव ही न्यूज सुनाएगा। सवेरे अखबार पढ़ा, वह भी नेगेटिव वाला पढ़ा। यानी दिन भर हम क्या ले रहे हैं? नेगेटिव थॉट्स। लेकिन हमें क्या करना था? पॉजिटिव थॉट्स में उसको कन्वर्ट करना था। और जिस दिन आपने अपने थॉट्स को पॉजिटिव बना लिया, तो 100% मान के चलना आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी होने वाली है। क्योंकि कौन नहीं चाहता कि मेरी लाइफ बहुत ही क्या हो, हेल्दी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो। हर कोई चाहता है कि मैं बिल्कुल क्या रहूं, बिल्कुल हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरा रहे, हमेशा कोई टेंशन मुझे ना हो। तो वह कब नहीं होगी? जब आप अपने माइंड के अंदर नेगेटिविटी को एंट्री नहीं देंगे।
और जब माइंड में नेगेटिविटी को एंट्री नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड पॉजिटिविटी से भर जाएगा। और बहुत से के क्वेश्चन ये भी रहते हैं कि सर हम बार बार में नेगेटिव लेना नहीं चाहते लेकिन वो आ जाता है। सर हम नेगेटिव सोचना नहीं चाहते लेकिन माइंड में नेगेटिव चलता है। सर हम पॉजिटिव लेना चाहते हैं लेकिन माइंड में फिर भी पॉजिटिव ले नहीं पाते। तो सभी से मैं यही कहूँगा कि आपको एकदम से नेगेटिविटी को आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पढ़ाई आपने पढ़ी ही नहीं है, ठीक है, उस तरह का नॉलेज आपके पास है ही नहीं। तो फिर करना क्या है? करने का सबसे बढ़िया तरीका है नेगेटिव को मत डिलीट मारो, उसको जहाँ का जहाँ रहने दो, लेकिन साथ में पॉजिटिविटी को लगातार अंदर एंट्री देने लग जाओ। चलो किसी ने गाली निकाल दी, चलो कोई बात नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। तो हर चीज़ में जब आप लगातार पॉजिटिविटी ढूंढने लगोगे, लगातार पॉजिटिव की तरफ बढ़ोगे, तो आपके अंदर चाहे कितनी ही नेगेटिविटी हो, अब वो धीरे 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 ऑटोमेटिकली आपके माइंड से रिमूव होने लग जाएगी। और जैसे जैसे आपका रिसाइकल बिन खाली होता जाएगा नेगेटिव से, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपका पूरा माइंड पॉजिटिव से भर जाएगा। फिर चाहे आपसे कोई कुछ बोल कर जाए, चाहे कितना ही कुछ बोल कर जाए, कुछ कह कर जाए, आप हमेशा सबके प्रति क्या रखेंगे, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सोच रखेंगे। और जिस दिन आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो इस माइंड में जो टेंशन नाम की जो बीमारी थी वो नहीं होगी। और आप सोच सकते हैं कि जब टेंशन ना हो इंसान को तो फिर सारी की सारी बीमारियाँ क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि टेंशन दुनिया में क्या है, बहुत ज़्यादा है, और टेंशन की वजह से ही आज ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डायबिटीज़ है, ठीक है, बहुत सारी लकवा हो जाता है किसी को, या फिर बहुत सारी ब्रेन के रोग हो जाते हैं, ये सब टेंशन की बीमारियां हैं। इसलिए किस विशेष ये ध्यान रखें कि टेंशन को थोड़ा कम करें, अपने शरीर में थोड़ा सा एनर्जी लाएं और थोड़ा पॉजिटिव को रिसीव करने की कोशिश करें, तब जाकर आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। अब थोड़ा सा एक और मैं बात करता हूँ आपके साथ कि आपको किस तरह से अपने जीवन में पॉजिटिव को एंट्री देनी है। सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से पॉजिटिव बन सकते हैं। सबसे पहले कि जो कुछ हुआ मेरे साथ वो नथिंग न्यू है। नथिंग न्यू का मतलब ये है कि चलो ठीक है, जो हुआ जो अच्छा हुआ, कहीं ना कहीं इसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा ही मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं अपने थॉट्स को क्या बना ले, थोड़ा सा पॉजिटिव बना ले। पॉजिटिव बनाने में आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। फ़ायदे ये होगा कि एक तो आपका माइंड का नेगेटिव थॉट्स क्या हो जाएगा, कहीं कुछ समय के लिए ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होगा तो मान के चलना थोड़े टाइम बाद में आप उस नेगेटिव चीज़ को भूल जाएंगे, और भूलने के बाद में आपको क्या होगा, वो स्ट्रेस नहीं होगा। और दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि कभी कभार सुना सुनाया देखा दिखाया भी झूठ हो सकता है, गलत हो सकता है। आपने जो देखा हो क्या वह सही है, नहीं है। किसी का देखने का नज़रिया क्या होता है, अलग अलग होता है। एक कहानी है ना कि जैसे जब अर्जुन था, उसको अर्जुन और उसके जो भाई थे उसको गुरुजी ने पूछा कि भाई आपको सामने हाथी खड़ा किया और सामने पूछा कि आपको इसका क्या नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है। तो किसी ने कहा कि मुझे आँख नज़र आ रही है, किसी ने कहा मुझे कान नज़र आ रहे हैं, किसी ने कहा मुझे पूँछ नज़र आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, सभी का सोचने का देखने का नज़रिया अलग अलग है, और सभी का सोचने का और देखने का नज़रिया जब अलग होता है तो कहीं ना कहीं आप मान के चलना कि सभी की सोचने की क्षमता भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो कोई आपके प्रति क्या सोचेगा, कोई आपके प्रति क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा, तो सोचने के ऊपर ज़्यादा अटेंशन ना दें। कहीं ना कहीं आपको हमेशा सभी के प्रति पॉजिटिव सोचना है। आप पॉजिटिव जिस दिन सोचना प्रारंभ कर देंगे तो आपका बहुत अच्छा जीवन होने वाला है। दूसरा फोकस ये करें कि अपने डाइट चार्ट्स को थोड़ा सा सुधार लें, क्योंकि आपके डाइट चार्ट भी कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव संकल्प के लिए प्रेरित करती है। ये बिल्कुल ही साइंटिफिक प्रूफ है, क्योंकि जो आसुरी प्रवृत्ति से भोजन करते हैं उसकी हमेशा आसुरी प्रवृत्ति
हो जाती है। तो इसीलिए तो कहा जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा आप अन्न ग्रहण करेंगे आपका मन वैसा ही होगा। जितना ज़्यादा आप आसुरी प्रवृत्ति वाला भोजन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मन भी नेगेटिव थॉट से हमेशा भरा रहेगा। तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में सात्विक भोजन को एंट्री दें और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं लेकिन फिर भी आप कोशिश तो कर ही सकते हैं। तीसरी पॉइंट है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा अपने आप को इस नेचर से जोड़ें, क्योंकि नेचर में बहुत सारे पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिव गुण हैं। चारों तरफ आप जब जाएंगे तो इस पोजर की जो एनवायरनमेंट है इसके अकॉर्डिंग अपने आप को जब ढालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थॉट्स भी पॉजिटिव चलेंगे। क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर जब मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हम कितने प्यार से कितने स्नेह के साथ मॉर्निंग वॉक करते हैं। और मैंने सवेरे सवेरे देखा है कि बहुत सारे अनजान लोग हमें मिलते हैं लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, राम राम करते हैं, नमस्ते करते हैं, भले से वो मेरे को नहीं जानते लेकिन मुस्कुरा कर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सवेरे सवेरे का एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिव होता है। आप दोपहर में या दिन में किसी के जाकर अगर गुड मॉर्निंग या नमस्ते भी करेंगे, किसी से जाकर कुछ बातचीत भी करेंगे तो उसका मूड क्या होगा, बिल्कुल ऑफ रहता है। इसलिए वो आपसे बात करना तक पसंद नहीं करेगा। लेकिन वही व्यक्ति जब आपको मॉर्निंग वॉक में मिल जाए तो आगे रह के वो आपसे नमस्ते करेगा। ये प्रैक्टिकली प्रूफ है। इसकी वजह से ये आपको ध्यान रखना है कि मुझे कहीं ना कहीं क्या करना है, थोड़ा सा क्लाइमेट का साथ देना है, मॉर्निंग वॉक जरूर करनी है और कहीं ना कहीं मेरे डाइट चार्ट को मुझे अच्छे से फॉलो करना है।